महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में मंत्री रेखा आर्य ने महिला सशक्तिकरण विभाग से संबंधित अलग अलग विषयों पर अधिकारियों से चर्चा की। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के संबंध में मंत्री रेखा आर्य ने बैठक में कहा कि नंदा गौरा योजना और मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना का लाभ अब आंगनबाड़ी बहनों को भी मिलेगा। मंत्री रेखा आर्य ने बैठक के दौरान संबंधित अधिकारियों को कहा कि प्रस्ताव तत्काल कैबिनेट में लाया जाए। वहीं बैठक में हर साल 8 अगस्त को दिए जाने वाले वीरांगना तीलू रोतेली और आंगनबाड़ी सम्मान पुरस्कार के बारे में भी चर्चा हुई। 8 अगस्त को हर साल हम लोग देते हैं यह पुरस्कार। मेधावी महिलाएं हो, ऐसे महिलाएं जिन्होंने समाज में बहुत अच्छा काम किया हो, आदर्श प्रस्तुत किया हो, चाहे वो साहसिक क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वरोजगार के क्षेत्र में हो, इंस्पिरेशनल हो, किसी को बचाने के परिप्रेक्ष्य में हो, बहादुरी का हो, मतलब इसमें सभी एंगल हैं जिसमें जो है महिलाएँ तिलोरती पुरस्कार के लिए आवेदन कर सकती हैं। मैंने विभाग को ये निर्देश किया है कि विदिन अ वीक जो है इसके आवेदन की प्रक्रिया को पूरी कर ली जाए और उसकी विज्ञप्ति जारी कर दी जाए ताकि समय रहते इसकी स्क्रूटनी हो जाए और तिलू रोतेली पुरस्कार जो है महिलाओं को जो पूरे प्रदेश भर में है और पूरे जनपदों के जो है उनको सम्मानित किया जाए। अब की बार में एक विशेष बात ये रहेगी कि पिछले बार हम लोगों ने जब यह तिलू रोतेली पुरस्कार दिया था तो हम लोगों ने उसमें कोरोना में बेहतर काम करने वाली महिलाओं को भी हमने सम्मानित किया था जिन्होंने अपनी जान का जोखिम लेते हुए समाज सेवा करी। अब की बार जो है कोरोना का एंगल उसमें नहीं रखा गया है क्योंकि अब कोरोना से हम सब लोग वैक्सीन हो चुके हैं तो यह केवल 2020-21 की व्यवस्था में यह व्यवस्था दी गई थी। लेकिन आप सामान्यतः जिन्होंने आदर्श प्रस्तुत किया, जिन्होंने महिलाओं के हित में काम किया, ऐसे लोगों का चिन्हीकरण करते हुए जिलाधिकारी हमारे पास भेजेंगे। निश्चित रूप से फिर तिलू रोतेली पुरस्कार को हम लोग जो है आने वाले 8 अगस्त को हम लोग महिलाओं को सम्मानित भी करेंगे। इसके साथ साथ में आंगनबाड़ी कार्यकर्ती सम्मान पुरस्कार भी हम लोग देने जा रहे हैं जिसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने जिन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं, विभाग की योजनाओं को जन जन तक पहुँचाने का काम किया है, ऐसी आंगनबाड़ी बहनें भी उस दिन सम्मानित होंगे।